फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नई भर्ती के बारे में जो कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 26/9/2022 यानी इसी महीना के 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ पे लास्ट डेट इसका कब है, तो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2022 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। एक और बात की, जो प्रीवियस 2019 में जो भर्ती आया था 429 पे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल CISF का था, जिसमें काफ़ी चांसेस था कि पोस्ट उसी में ऐड होने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 540 पोस्ट नया यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे 540 पोस्ट यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें आपका ASI स्टेनोग्राफर है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी ऐड किया है। CISF का यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक भी दिया है, पे मैट्रिक को छोड़िए। फर्स्ट में तो यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको इस भर्ती के लिए यहाँ पे फर्स्ट में तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका PST सिर्फ होने वाला है, इसमें रनिंग नहीं होगा, सिर्फ PST डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड होगा, जिसमें आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर, और यहाँ पे बताया गया है कि आपका वैकेंसी किसके लिए है, तो यहाँ पे आपका वैकेंसी अनरिजर्व EWS और एक सर्विसमैन का। यहाँ पे बोला है कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 33% और SC ST और OBC का, यहाँ पे सॉरी SC ST OBC का 33% और EWS का 35% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रिटेन एग्ज़ाम में। उसके बाद मेडिकल वगैरह सब होगा। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दो पोस्ट पे निकाला गया है, एक है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, जिसका लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का लेवल 4 का आपका मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी का जिक्र किया है कि कितना वैकेंसी कौन सा कैटेगरी में है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका मेल आप अगर डायरेक्ट मेल कैंडिडेट है तो डायरेक्ट भरते हैं, तो टोटल 94 पोस्ट है, जिसमें UR कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC और EWS सभी का अलग अलग पोस्ट डिवाइड किया गया है। अगर आप फीमेल कैटेगरी डायरेक्ट में आप फिलअप करते हैं तो 10 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 6 जनरल में है, SC में 1 है, ST में 0 है और OBC में 2 वैकेंसी है, EWS में 1 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी भर सकते हैं LDCE के थ्रू, जो कि टोटल 18 वैकेंसी है, अब बाकी सब डिवाइड किया, टोटल 122 वैकेंसी यहाँ पे ASI स्टेनोग्राफर में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर भरते हैं तो टोटल 418 पोस्ट है, और जिसमें से यहाँ पे डायरेक्ट मेल कैंडिडेट के लिए 319 वैकेंसी है, डायरेक्ट फीमेल के लिए 36 है और LDCE के लिए 63 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। आप लोग अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे LDCE का 0 यहाँ पे पोस्ट रखा गया, किसमें, तो ये आपका EWS में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि EWS पहले नहीं पुराना में नहीं हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बोला ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे भरना है, और एजुकेशनल क्राइटेरिया, इसमें कितना एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल, इसमें सिर्फ 10+2 चाहिए, आप चाहे जो भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 12th यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट, तो एज लिमिट में यहाँ पे एज लिमिट में 18 से लेकर 25 साल, यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसेप्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस 25/10/2022, यानी जो आपका एज काउंट किया जाएगा 25/10/2022 से, जिसमें आपका 26 आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ बैठ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं,
अगर आप मान लीजिए इससे अपर एज है आपका, अगर आपका कोई कास्ट है जैसे ओबीसी है, तो आपको 3 साल इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी जो 18 से 25 है तो आप 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अगर आपका ओबीसी है तो। अगर आप एससी और एसटी है तो इसमें आपका 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी 18 से 30 साल तक कैंडिडेट अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इसमें 45 साल तक के एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे विक्टिम है, गुजरात का जो दंगा वगैरह हुआ था उसका अलग से यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे छूट। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एक सर्विसमैन का भी दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें कोई रनिंग नहीं है, सिर्फ इसमें मेजरमेंट होगा आपका। फर्स्ट में तो आपका हाइट मापा जाएगा, तो इसमें बोला है हाइट की फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट एसटी कैंडिडेट, मतलब एसटी को छोड़ के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो 165 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन किनको दिया जाएगा, जो हिल्स एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, असम, कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीएससी में आते हैं, तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट, फीमेल का 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, एसटी सर्टिफिकेट है तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट और फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट यहाँ पे देखिए, तो चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट को फुलाना है, 77 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे के 82 तक, यानी नॉर्मल आपका 77 आपका चेस्ट होना चाहिए सेंटीमीटर में, और इसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना चाहिए, 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो एसटी में 76 से लेकर 81 यानी 1 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपका जो वेट होना चाहिए, आपका वेट, वो वेट आपकी हाइट के हिसाब से मापा जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि आप स्किल टेस्ट के बारे में, अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में भरते हैं तो आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होना चाहिए शॉर्ट हैंड। उसके बाद यहाँ पे टाइम ट्रांजिशन टाइम दिया कि 50 मिनट में इंग्लिश में, 65 मिनट में हिंदी में, ये दो तरह का यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आगे प्रोसेस आपका होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर भरते हैं तो इसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना होगा। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी आपका 30 वर्ड पर मिनट, जिसमें 10,500 कीज पर कीज डिप्रेशन पर आवर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इंग्लिश में, अगर हिंदी है तो 9,000। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि CAPF के अंदर में आपका यहाँ पे होता है, वो बताया गया है। टैटू वगैरह के बारे में देख लेंगे कि कैसा होना चाहिए, आप लोग देखने के बाद ही यहाँ पे अप्लाई करें इसे पढ़ने के बाद। लोकेशन साइज़ वगैरह सब दिया है कि आपका टैटू कहाँ होने से चलेगा और कहाँ नहीं होने से नहीं चलेगा। उसके बाद आई साइड यानी आपका जो आँख है, आँख का यहाँ पे विजुअल वगैरह दिया है कि आपका विजुअल नियर विजन वगैरह दिया है कि N6 और रॉस आई N9 होता है, तो ये भी देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सर्विसमैन का दिया है, तो ये लोग पढ़ लेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जैसे डिसक्वालिफिकेशन दिया है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट दिया है कि कौन कौन सा फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, तो चलिए इसे मैं एक एक करके पढ़ के आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी आप कैटेगरी में जैसे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जो फॉर्मेट यहाँ पे मांगा है वही होना चाहिए। जैसे कि आपका एससी एसटी ओबीसी वगैरह है तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, या उसके बाद भी अगर बना लेते हैं। क्रूशियल डेट भी दिया, जैसे यहाँ पे बोला है कि अगर ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट टू बेसिस रिजर्वेशन ओबीसी, अगर आप ओबीसी में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो इंश्योर दैट हिज प्रोसेस ऑफ कास्ट कम्युनिटी डज नॉट फेल इन क्रीमी लेयर ऑन क्रूशियल डेट, यानी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्शन ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी क्लोजिंग डेट से पहले का आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, ठीक है, ये सब यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ये बोला है कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेल अपॉन अ प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले रिसेप्शन ऑनलाइन करें। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन आपको भरना है। और यहाँ पे सेंटर वगैरह दिया है कि आपका जो रिक्वायरमेंट नेम स्टेट है कि सेंटर विथ एड्रेस नेम, कि आपका कौन सा राज्य में कौन सा सेंटर पड़ता है, जैसे कि चंडीगढ़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह का। यहाँ पे CISF नॉर्थ जोन कैंपस न्यू दिल्ली का यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का यहाँ पे अलग से, गाज़ियाबाद का यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे दादर नगर हवेली, गोवा वगैरह का यहाँ पे अलग से है जो कि मुंबई का दिया है। यहाँ पे चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश का अलग से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे बिहार और झारखंड का, यहाँ पे झारखंड में सेंटर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन मतलब ब्रांच जो है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरला, पांडिचेरी जो नॉर्थ साउथ ईस्ट का है, वो तमिलनाडु का यहाँ पे दिया है। उसके बाद अंडमान निकोबार एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम का दिया है, कोलकाता में सेंटर, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मेघालय, मिजोरम वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे आपका आसाम में दिया हुआ है। तो ये तो सेंटर का दिया है कि मेन सेंटर कौन कौन सा है CISF का। इसके अलावा जो सेंटर बनेगा वो अलग से आपका दिया जाएगा। इसमें फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा 20KB से लेकर 50KB के बीच में आपको अप्लाई करने वक्त। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह जो है 10KB से, यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20KB, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैंडिडेट वी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी इन PDF फॉर्मेट नॉट मोर देन 1 MB विथ रिगार्ड टू हीज और हर एज। यानी आपका जो PDF होना चाहिए इसमें, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों का CISF फायरमैन का जो था, कांस्टेबल फायरमैन, उसमें रिजेक्ट किया गया है, जिसके वजह से डॉक्यूमेंट के वजह से जिसका अपलोड सही से नहीं हुआ है। तो ये ध्यान देंगे कि अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट मोर देन 1 MB, यानी 1 MB से ज़्यादा का आपका PDF का साइज़ नहीं होना चाहिए, इससे कम ही का होना चाहिए। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे माध्यमिक का सर्टिफिकेट, 12th का आपका सर्टिफिकेट, इसका अपलोड स्कैन करके आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट 25/10/2022 यहाँ पे दिया है। इसमें अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया लगेगा। किसका किसका, तो जनरल का, EWS का, OBC का सिर्फ लगने वाला है, और SC ST और यहाँ पे SC ST का नहीं लगने वाला है, बाकी सबका यहाँ पे, और फीमेल कैंडिडेट का नहीं लगने वाला है, सिर्फ SC ST और OBC का, मेल कैंडिडेट का यहाँ मतलब EWS, OBC और जनरल का लगने वाला है फ़ीस। आप फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है एडमिशन टू एग्जामिनेशंस हो गया, तो ये पूरा दिया हुआ। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फर्स्ट में होगा, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन होगा, हाइट बार वगैरह मापा जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट सेकेंड स्टेज रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम, थर्ड रहेगा स्किल टेस्ट, और फोर्थ इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है पार्ट ए में तो इंग्लिश पूछा, जनरल इंटेलिजेंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, पार्ट बी में जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और पार्ट सी में यहाँ पर अरिथमेटिक यानी मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक करेंगे जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल 120 मिनट का यानी 2 घंटा का समय यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोला गया है रिटन बेस्ड होगा, जो कि डेटा बिंग कैंडिडेट, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का बोला गया पेपर होने वाला, स्किल टेस्ट यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, 35 वर्ड पर मिनट पहले बता दिया। तो ये सा था मोड ऑफ सिलेक्शंस जो कि आप लोग देख लिए। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि क्या है इसमें। अगर कुछ भी छूटा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।